हमारी बात मानेंगे ना, हम यहाँ का थाना अध्यक्ष नहीं, आपके बड़े भाई हूँ, गार्जियन भी है, गार्जियन का बात नहीं मानिएगा भैया। उसने तो भैया रहे मनीषो भैया। अच्छा, हमारी कोई व्यक्तिगत संविधान में है, जो हमारे कानून में है, कानून को अपने हाथ मत लीजिए। पैसा ये सलूशन नहीं है, पैसा मांगा सलूशन कभी नहीं है। आप गलत नहीं, आप गलत कर रहे हैं। सुनिए, ये गलत है, ये एक मिनट सुनिए, आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए। लोकतंत्र है ये, हम 82% नंबर लाकर जनरल में हम दरोगा बने, ऐसा थोड़ी है कि हम बिना पढ़े आ गए हैं। मेरे तो पिताजी भी नहीं थे, सुनिए, हम पिताजी थे, मेरी माँ मजदूर थी, हमको पढ़ा कर दरोगा बने। अरे भागुने होता है, कर्म यूपीएससी का स्टूडेंट रह चुके हैं, आपका अधिकारी होता है। आप किसी भी बच्चे को अदालत मत करिए, आप अच्छा बात है, जाम किए, हम आपका साथ है, आप जरा हट जा दीजिए प्लीज, हम बड़े भाई हैं, आपका आदेश हम कह रहे हैं ना, हमारा बात का पालन कीजिए, तेजस्वी को गिरफ्तार कीजिए, कानून बनवाइए तेजस्वी। हमारे तरफ से आप मीडिया में कहिए जब मनीष कश्यप को छोड़ दिया जाए, हम कैसे बोल रहे हैं, तो हम लोगों को कहने दीजिए, नहीं नहीं हम लोगों को लड़ना दीजिए, ये सलूशन नहीं है, ये सलूशन कभी नहीं है, हमारे अधिकार के लिए लड़ना दीजिए। जो 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 जहां गया है, जिस कारण से गया है, न्यायालय है सजा देने के लिए, तेजस्वी के लिए न्यायालय नहीं है भैया, सुनिए, सजा देने का काम न्यायालय का है, तेजस्वी के लिए क्या हुआ, न्यायालय है ना, न्यायालय जाइए, दिन के अंदर मनीष कश्यप अंदर, तेजस्वी घूम रहे हैं। साहब से पूछिए, मीडिया उसके लिए प्रभारी है हमारे हाजीपुर में, साहब से पूछना है ना, साहब को अफसर भेज दीजिए, नहीं खुलेगा, मनीष कश्यप को छोड़ना होगा, रिहा करना होगा, गरीब का मसीहा है, समझे सर, सुनिए भैया, मनीष कश्यप गरीब का मसीहा, 7 दिन में कुर्सी जब्ती हो जाता है, 6 करोड़ का घोटाला किया, उस समय साहब सब कहाँ थे, आप लोग जो है पहली बेरी बात सुन, केस वगैरह कोई उपाय नहीं है, जेल सबको लेके अंदर बंद कर दीजिए, सोल्यूशन नहीं ना, नहीं यही सोल्यूशन है मेरे लिए, हम देखिए, सुनिए सर, मनीष कश्यप तब तक नहीं छूटेगा, आप लोग युवा है, अभी आप लोग जोश में बोल रहे हैं, नहीं सर, लेकिन ये समझदारी नहीं है बाबू, मनीष भैया जो जिस समय गिरफ्तारी में, उससे पहले आरजेडी का नेता सांसद में आवाज उठाया, किसी की कोई गर्भवती महिला है, बच्चा होने वाला, उसको जाने दे रहे हैं, सुनिए, किसी पेशेंट को उसको जाने दे रहे हैं, और भी अभी मूवमेंट भी है, हमारी बात मानिए, हमारी बात मानेंगे ना, हम यहाँ का थाना अध्यक्ष नहीं, आपके बड़े भाई हूँ, गार्जियन भी है, गार्जियन का बात नहीं मानिएगा भैया, उसने तो भैया रहे मनीषो भैया। अच्छा, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, कभी नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत की प्रॉब्लम है नहीं, हम आपके लिए खड़े हैं, रात भर जगे रहते हैं आप ही के लिए, तो हमारी बात मान के, बड़े भाई का बात मान के, आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाम मत कीजिए प्लीज, दूसरा कोई सुनने का रास्ता है, सुनाने का, जो हमारे संविधान में है, जो हमारे कानून में है, कानून को अपने हाथ मत लीजिए, मेरा बड़े भाई का यह आदेश हुआ चाहे रिक्वेस्ट हुआ, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग प्लीज सड़क जाम छोड़ दीजिए, कानून कहा गया सर, तेजस्वी कहा नहीं गिरफ्तार हुआ भैया, इसमें अब की बात नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है ना, मनीष कश्यप क्या किया, तेजस्वी बहन तो कितना घोटाला किए हुए, 600 करोड़ रुपया भी घर से निकल लगा सर, हमारी बात सुनिए, जो भी है पहले उसको गिरफ्तार कीजिए, सुनिए हमारी बात सुनिए, जो कानून के तहत, जो भारत का जो कानून है, जो भारत कानून कहता है, उसके तहत हमारी नौकरी है, मेरी बात सुनिए, भारत में जो कानून है उससे हम लोग सब कुछ जीते हैं, हम लोग टोटल गार्जियन घर परिवार सब चलता है, चलता है नहीं चलता, भारत कानून उसी से चलते हैं, मेरी बात सुनो बाबू, बाबू सुनो, बाबू सुनो, मेरी बात बोलिए बोलिए बोलिए, आप गुस्सा करिए कोई बात नहीं है, अब गुस्सा करना जायज है, गुस्सा जायज है, लेकिन जो भी कानून के तहत तरीका मिला है उसी के तहत प्रदर्शन कीजिए, आप धरना कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनिए मेरी बात सुनो बाबू, लेकिन सड़क जाम करना गैर कानूनी है, आप सड़क जाम नहीं कर सकते, ये मेरी बात है, और हमको अपना बड़ा भाई मानते हैं, गार्जियन मानते हैं, तो हमारी बात को सुनकर, हमारी बात को सुनिए, बच्चों कभी भी इस चक्कर में पड़िए, आप लोग सब लोग कर रहे हैं, एक पुलिस केस हो जाएगा, आप लोग समस्या में पड़ जाएंगे, वो सर जी सड़क जाम चालू है, सड़क जाम कर सारा के हमरा ये नहीं है, खूब पीटब, हम पिटाया तैयार होती, लेकिन ये ना हो, ये सलूशन नहीं है, हल निकालना चाहिए कोई भी गार्जियन, कहाँ से लाओ सोलूशन, कौन आएगा, अभी आप आते पूछने, जब बहुत तो के मन में की चल रहा है, एक मिनट, अभी रोड ना खरीदे, आप आते भी नहीं, मेरे बारे में जान लीजिए, 24 घंटे हम रहते हैं खड़ा, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बंदी हुआ है कि नहीं हुआ है, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो भी बच्चे हैं, जो भी यंग लोग हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई, अच्छा ठीक ही हो जाए, सड़क हो जाए, सोलूशन की होता है, आप लोग को शासन चला रहा है, ये लोकतंत्र की होता है, पूरा चला है।
इतिहास और लिपिक की।